राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर श्रृंखला तेनाली राम की कहानियां। आज इस श्रृंखला में प्रस्तुत है कहानी तेनाली राम और चोर। बहुत पुरानी बात है, एक बार रात को तेनाली राम के घर में चोर घुस आए। संयोग से तेनाली राम और उसकी पत्नी दोनों ही उस समय जाग रहे थे, मगर चोरों ने समझा कि वह सो गए हैं और अपना काम शुरू कर दिया। सुनो, लगता है घर में सब सो गए हैं। यही सही मौका है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस खिड़की से अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। और देखो, तुम यहीं रहना और बाहर नजर रखना। ठीक है ठीक है, पर सुनो, हाँ, तुम जरा संभल कर अंदर जाना, अगर घर के लोग जाग गए तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तुम चिंता न करो मेरे भाई। याद नहीं हम दोनों ने मिलकर कितने घरों में हाथ साफ किए हैं? क्या किसी को कभी खबर लगी है? ना ना ना। अरे अब बातें ही बनाते रहोगे या जल्दी से अंदर भी जाओगे? अपना ख्याल रखना। ठीक है ठीक है, जाओ जाओ। ये मैं जाओ 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 जाओ, ये तो गया। अजी सुनते हो, सो गए क्या? उस कमरे से कुछ खटर पटर की आवाजें आ रही हैं। सो गए क्या? अरे सो कहाँ गया, जाग रहा हूँ। उस कमरे से कुछ खटर पटर की आवाजें आ रही हैं। हाँ 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 हाँ, मुझे भी आ रही हैं। लगता है चोर घुस आए हैं। चोर? घबराओ मत। देखो ध्यान से सुनो जी, अभी इन चोरों को सबक सिखाते हैं। सबक? हाँ ठीक है। अच्छा अब मैं तुमसे जोर जोर से बातें करने का नाटक करूंगा। तो फिर तुम भी मेरी हाँ में हाँ मिलाती रहना, ताकि हमारी बातें चोर सुन सकें। ठीक है ठीक है जी। अरे सुनती हो भाई? जी कहिए। आजकल शहर में चोरों का डर बहुत बढ़ गया है। हाँ? मालूम है परसों रामलाल के घर से चोर उसका कीमती सामान चुरा कर ले गए। अच्छा? हाँ। और कल श्यामलाल के घर चोरों ने सेंध लगाई। हे भगवान। हाँ। और सेंध लगाकर पता है कितना ही कीमती सामान चुरा कर ले गए। हे भगवान, अब हम क्या करें? अरे करें क्या, अब हमें भी सावधान रहना चाहिए। सावधान? हाँ ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो भाई, तुम्हें तो पता है हमारे पास इतना धन है जी, इतने हीरे जवाहरात हैं, हाँ, आभूषण हैं जी। जानती हो इनके लालच में चोर डाकू कभी भी यहाँ आ सकते हैं। हाँ ये तो है, तो क्या करें हम? क्या करें क्या करें? हाँ सोचो। हाँ ऐसा करते हैं, इन सब को संदूक में भर कर बागीचे के कुएं में छिपा देते हैं। हाँ। क्यों, तुम्हारा क्या ख्याल है?
ठीक है जी, यही ठीक रहेगा। तो फिर अब देर किस बात की, क्यों ना ये काम अभी कर दे। अभी? इतनी रात को? नहीं नहीं नहीं, सुबह कर देंगे ये सब काम। अरे छोड़ो, सुबह पे मत छोड़ा करो, रात का वक्त है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। चलो इस संदूक में हीरे जवाहरात और सारा धन भर देते हैं। लाओ लाओ जल्दी से। ठीक है रुको, ये लो संदूक। मैं अभी सारा सामान लेकर आती हूँ। ला ला ला, ये लो जी, ये ला ला। ये पोटली है जिसमें सारी अशर्फियां रखी हैं। ठीक है, इसे संभाल कर संदूक में रख दो। ये लो। और सुनो, ये लो मेरा 9 लखा हार। ला, इसे भी सबसे नीचे छुपा दो। ला ला, ये भी नीचे रख दिया मैंने। अरे रुको, ये मेरे हीरे जड़े कंगन तो यही रह गए। ला 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 ला, ये लो, इसे भी छुपा कर रख दो। ला, ये भी छुपा कर रख। अरे ये मेरी मटर माला तो रह ही गई। ये उतार कर देती हूँ। लो लो, ये लो, इसे भी रख दो। ये भी रख दी। अरे रुको रुको, ये मेरे हाथ में जो अंगूठियाँ हैं सोने की, इसे भी इसी में रख दो। लो लो लो, दे रही हूँ। ये भी रख दी। संभाल कर, देखो भाई, अपने जीवन भर की कमाई है सारी, छुपा कर आराम से रख दो। बिल्कुल बेफिक्र रहो, बिल्कुल बेफिक्र रहो। भगवान भली करे, ध्यान से रखना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसमें ताला लगा दो। ये लो लगा दिया ताला। ये चाबी भी मैंने जेब में रखी। चलो भाई, हो गया हमारा काम। इधर तेनाली राम जानबूझकर पत्नी से जो बातें कर रहे थे, चोर उन्हें ध्यान से सुन रहे थे और उनकी बातों को सच भी मान रहे थे। तेनाली राम ने नकली बातों से ऐसा आभास दिया मानो वो अपने घर का सारा धन, हीरे जवाहरात और आभूषण वगैरह किसी संदूक में डाल रहा हो। मगर ये सब तो एक नाटक था। चलो भाई, हो गया हमारा काम। हमने हीरे जवाहरात, सोना चांदी और सारा धन इस संदूक में भर दिया है जी। अब मैं इस संदूक को कुएं में डालकर आता हूँ। ठीक है, पर सुनो, जरा ध्यान से इस संदूक को लेकर जाना, कोई तुम्हें देख ना ले। नहीं नहीं, चिंता मत करो, चिंता मत करो, दबे पांव जाऊंगा। चुपचाप। लो उठवाओ ये संदूक। मैं चला। ये लो, ये डाला कुएं में। इस तरह तेनाली राम ने चोरों को धोखे में रखने के लिए एक बड़ा सा पत्थर कुएं में फेंक दिया। इधर चोर सोच रहे थे कि तेनाली राम ने अपना सारा धन संदूक में भरकर कुएं में छुपा दिया है। ये सुनते ही वो चोर जो कमरे के अंदर आया था, खिड़की के रास्ते वापस अपने साथी के पास पहुंचा और उसे बताया। अरे इसने तो अपना सारा धन कुएं में डाल दिया। हाँ, अब चुराने के लिए घर में तो कुछ रह ही नहीं गया। देखो भैया, अब तो जो कुछ भी है इस कुएं में ही है।
चलो, हमारा काम तो आसान हो गया। अब बाहर ही बाहर हाथ साफ करके निकल लेंगे। अब घर में घुसने का खतरा उठाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन लेकिन अब इस संदूक को कुएं से बाहर कैसे निकालें? ये तो सोचना पड़ेगा। सोचो सोचो। अरे वो बाल्टी। हाँ। अरे चलो उस बाल्टी को रस्सी में बांध कर कुएं में डालते हैं। ठीक है। और पहले कुएं का पानी निकालते हैं। हाँ, कुएं का पानी कम हो जाने पर हमारा काम भी आसान हो जाएगा। हाँ। हम आराम से कुएं के अंदर उतर कर दौलत पर कब्जा कर लेंगे। अरे अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो कुएं का पानी निकालो। चलो कुएं के पास तो चलो। अरे डालो बाल्टी कुएं में। ये गई। खींचो खींचो। सोर लगा के। आयशा सोर लगा के। आयशा ये बाल्टी लाओ। बाल्टी इधर दो। ठीक है। मैं बगीचे में इसका पानी उड़ेल देता। हाँ हाँ हाँ। ये इसके बाद चोरों ने बाल्टी को कई बार कुएं में डाला और कई बार बाहर निकाला। ये लो, कुएं से और पानी निकालो। बाल्टी कुएं में डालो। ये लो। जो चोर लगा के। चोर लगा के। ये लो, कुएं से और पानी निकालो। बाल्टी कुएं में डालो। खींचो जोर लगा के। ऐशा जोर लगा के। हीरे जवाहरात पाने के लालच में चोर रात भर कुएं से पानी निकालते रहे, मगर कुएं का पानी इतनी जल्दी कहां कम होने वाला था। पानी खींचते 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 सवेरा हो चला था। सुबह तेनाली राम घर से बाहर निकला। चोर उसे देखकर घबरा गए। अरे अरे, देखो देखो, कोई आ रहा है। कहां? अरे ये तो घर का मालिक लगता है। चलो भाग चले यहाँ से। पकड़े जाओ। भागो भागो जल्दी से, वो पास आ गया। भागो भागो। अरे अरे रुको तो भैया, रुको रुको। अरे अरे रुको तो भैया, रुको रुको। इतनी जल्दी भी क्या है? मेरा धन्यवाद तो लेते जाओ। धन्यवाद? जानते नहीं, तुमने तो मेरा इतना बड़ा बागीचा सींच दिया। वाह वाह, क्या बात है। बागीचा सींच दिया? मतलब? क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने धन से भरा संदूक तो कुएं में डाला ही नहीं था। क्या? केवल बड़ा सा पत्थर कुएं में फेंका था, ताकि रात भर तुम लोग पानी निकालो और मेरा बागीचा सींच दो। तो इसका मतलब आपने हमें बेवकूफ बनाया। रात भर तो बेवकूफ बनाया और अब बना रहा हूँ तुम्हें कैदी। जी? सिपाहियों जी, गिरफ्तार कर लो इन चोरों को। जी, जी श्रीमान। चलो 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 चलो। तेनाली राम की कहानियां
इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। विषय संयोजन अख्तर हुसैन, आलेख शरद तिवारी, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, जयमिनी कुमार, कीमती आनंद, दिनेश वर्मा और गीता वर्मा, तकनीकी नियंत्रण पुष्पलता कुमार, तकनीकी समन्वय सतीश लाड़े, ध्वन्यांकन दीपक पांडे और अमिता भट्टी, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।